Welcome to this week Hindi, English and Bangla. Thank you. Ramadan, Ramadan, Ramadan. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग. दिस इज शमशीर अली. तो गाइज फाइनली वैकेशन शुरू हो चुका है. मैं निकल चुका हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए, इंडिया के लिए. गाइज इंशाल्लाह इस बार जो है ईद इंडिया में मनाने का प्लान है, गांव में मनाने का प्लान है. तो फिलहाल निकल चुका हूँ मैं. आज जो है फ्राइडे का दिन है गाइज. अभी इवनिंग में मेरा निकला हूँ यहाँ से, 6 बजने वाला है फ्लाइट जो है गाइज, 10 बजे है. हमारे एक दोस्त है सपन भाई बांग्लादेश के, वो मेरे को जा रहे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट माशाल्लाह. तो चलिए बन रही है वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए. चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. आप लोग को लेके चलूँगा, जो भी एक्टिविटी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगा. मेरा एक्चुअली गाइज इंडिगो से फ्लाइट है. तो चलिए बन रही है वीडियो में, मिलते हैं. आगे एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूं गाइस. एक्चुअली मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फ्लाइट जो है चेंज हो गया था हज टर्मिनल में. नॉर्मल जहां पर आता है इंडिगो का फ्लाइट वहां पर गाइस चेंज हो गया फिलहाल. तो हम लोग को फिर से हज टर्मिनल आना पड़ा, बंदा था गाड़ी वाला. तो अभी आकर पहुंच चुका हूं हज टर्मिनल में. चलिए अभी चेकिंग वगैरह कराएंगे और बोर्डिंग वगैरह कराएंगे और जमजम का पानी भी लेना है मेरे को. तो चलिए आप लोग को ले चलता हूँ काउंटर पर, जमजम का पानी लेंगे फिर अंदर चलेंगे गाइस. देखिए इवनिंग होने वाला है, रोज़ा हम लोग रास्ते में खोल लिए पानी खजूर से. चलिए अभी अंदर चलेंगे. वैसे देखिए स्पेशल ये जो एयरपोर्ट है गाइस हज टर्मिनल है, हज और उमरा उमरा वालों के लिए स्पेशल है. तो अभी उमरा का बहुत सीज़न चल रहा है, उमरा का पब्लिक बहुत आ रहे. तो मेरा जो फ्लाइट है गाइस यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है हज टर्मिनल में, ये देख रहे होंगे गाइस. तो चलिए पहले काउंटर से जो है जमजम ले लेता हूँ. देखिए जमजम के लिए पूरा लाइन लगा हुआ है, जो भी लोग उमरा वगैरह करने वाले आए हैं इधर से जमजम वगैरह ले रहे हैं. गाइस पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट शो करके. एक बंदे को एक पासपोर्ट पे एक डब्बा जो है जमजम मिलता है, एक बोतल 5 लीटर का. तो चलिए अभी यहाँ से पहले तो जमजम ले लेता हूँ. देखिए इधर ऊपर लिखा है जमजम, तो यहाँ पर लाइन पे लगाना पड़ेगा. लाइन लग के लेते हैं जमजम गाइस. पहले गाइस जो है ज़बरदस्त पोपट हो चुका है. एक्चुअली गाइस अभी जो है जमजम का पानी नहीं दे रहे, बहुत ट्राई किया क्योंकि अभी जो सिर्फ बोल रहे उमरा वाले को ही दे रहे और अंदर से भी नहीं छोड़ रहे. जिसके पास उमरा का वीज़ा है गाइस उन लोग को ही जो है जमजम का पानी दे रहे. बाकी जो इधर जॉब वगैरह करते हैं विजिट वीज़ा में आए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वगैरह को जो है गाइस जमजम का पानी नहीं दे रहे गाइस. तो बहुत ट्राई किया मैं, बोला किसी हाल से मुझे एक पानी मिल जाए जमजम का. बहुत ट्राई करने के बाद भी गाइस नहीं मिला, उन लोग रिजेक्ट कर दिए वीज़ा वगैरह देख के. जिसके पास गाइस ओनली उमरा का वीज़ा उन लोग को जो है जमजम का पानी दे रहे और फ्लाइट भी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया मेरा हज टर्मिनल में. तो चलिए अभी चलते हैं बोर्डिंग वगैरह कराते, पानी तो नहीं मिला, अब क्या करेंगे जो अल्लाह की मर्ज़ी. तो चलिए फटाफट अभी काउंटर पर चलते हैं बोर्डिंग वगैरह कराते हैं. फाइनली जो है बोर्डिंग वगैरह हो चुका है सारा कुछ, अभी मैं बैठा हूँ वेटिंग में. चलिए गाइस ये हज टर्मिनल में है, यहाँ तो कुछ भी ड्यूटी फेरी का एरिया नहीं है, कुछ भी दुकानें वगैरह नहीं है. एक कॉफ़ी शॉप दिख रहा है इधर सामने बस, बाकी देखिए कुछ भी नहीं है. कुर्सी वगैरह पड़े हुए, चेयर्स वगैरह, बस वेट कर रहे हैं हम लोग. 10:30 का फ्लाइट है अभी. तो वही चलिए तब तक वेट करता हूँ, फ्लाइट का अभी टाइम है अपने पास 2 घंटा. थोड़ा सा बैठ के वीडियो तब तक ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ और थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पियेंगे फिर जाएंगे गाइस फ्लाइट में. तो चलिए बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस. ये वीडियो जो है ये ब्लॉग जो है गाइस जाकर मैं इंडिया में एंड करूँगा. तो वीडियो में बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना. देखिए अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, 9:30 हो रहा है, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया. बाकी फ्लाइट में गाइस पूरे जो है उमरा वाले ही पैसेंजर्स, आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से थोड़ा सा. ये देखिए इस पूरा जो है पैसेंजर्स पूरे उमरा वाले ही है इधर. ये फ्लाइट भी हज टर्मिनल से ही जा रहा है गाइस. अभी ये जो एयरपोर्ट है स्पेशली हज और उमरा के लिए है. फ्लाइट हम लोग का दूसरे इसमें से था इंडिगो, तो यहाँ चेंज हो गया क्योंकि इसमें पूरे पैसेंजर ऑलमोस्ट 95% जो है पैसेंजर्स पूरे उमरा के हैं. चलिए थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया. देखिए अभी टाइम जो है 9:30 हो चुका है, अराउंड 10:30 का फ्लाइट है, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया. आप वेट करते हैं, अब बोर्डिंग चालू होएगा गाइस. तो गाइस फाइनली हम लोग फ्लाइट के अंदर जा रहा हूँ मैं, इंडिगो की फ़्लाइट है गाइस. देखिए
10:30 का फ्लाइट था गाइस, मे भी आधा घंटा लेट हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि अभी 10:30 ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लोग जो है फ्लाइट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। फाइनली आ गया फ्लाइट के अंदर, बैठ चुका हूँ अभी। अब देखते हैं फ्लाइट कितने बजे छूट रहा है। ये अपना फ्लाइट जो था गाइस 10:30 में था, अभी 10:30 ऑलरेडी हो रहा है। ऐसे पता नहीं अब कब तक छूटेगा, मुझे लगता है एक घंटा में भी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी जो है हम लोग फ्लाइट के अंदर आए हैं। Bhumika Sharon, in Hindi, English and Bangla. Thank you. Ramadan. Suno aaye Ramzan ki saatein, badha di hai Allah ne ne'matein. है ये मग़फ़िरत और रहमत कमां नहीं और। तो गाइस फाइनली आके मैं पहुंच चुका हूं मुंबई एयरपोर्ट में। अभी अभी लैंड किया हूं, तो अभी चलूंगा बेल्ट पे गाइस। मेरा जो है सामान 10 नंबर बेल्ट पे आएगा, सामान वगैरह लेंगे फिर निकलेंगे गाइस। चलिए चलते हैं बेल्ट पे पहले। तो फ्लाइट जो है थोड़ा लेट से निकला था, मगर ऑन टाइम आगे पहुँच गया 6 बजे बराबर। वहाँ से आधा घंटा लेट में निकला था, बट 6 बजे का यहाँ पर अराइवल का टाइम था, तो 6 बजे ही पहुँच गया था। तो चलिए पहले इमिग्रेशन वगैरह कराते, फिर जाएंगे बेल्ट पे सामान वगैरह लेंगे। पहले तो इमिग्रेशन काउंटर पे भी जाता हूँ, देखो कितना जाम है, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इमिग्रेशन में। ये देखिए ऐसे पूरा जो है इमिग्रेशन का काउंटर है अभी यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट का। ये सारा यहाँ से वहाँ तक पूरा जो गाइस है इमिग्रेशन का काउंटर है, कितना बड़ा सा लाइन है देखिए गाइस। तो गाइस फाइनली जो है बेल्ट के पास आगे पहुँच चुका हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ अपना लगेज आने का। वेट करते हैं इधर बेल्ट नंबर 10 में हुआ फिलहाल। तो गाइस देखिए इधर अभी मेरा जो है एक कार्टन है, बस एक ही कार्टन है गाइस, आने का वेट करता हूँ तब तक। पूरा गाइस मेरा सामान आ चुका है, तो चलिए फटाफट सामान। तो गाइस फाइनली जो है सामान वगैरह आ चुके हैं, अब निकलेंगे बाहर, मिलेंगे इंशाल्लाह बेटी से। बेटी से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत है, बेटी बहुत खुश है। तो चलिए निकलेंगे, बेटी के साथ मिलते हैं। और गाइस ब्लॉग का जो एंडिंग है बेटी के साथ करते हैं, बेटी के द्वारा आज ब्लॉग का एंडिंग कराते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए अभी फटाफट निकलते हैं, सामान वगैरह आ चुके हैं अभी फिलहाल। तो अचानक मुअत्तर फिजा हो गई, मुखालिफ हवा दिल रुबा। तो फाइनली मैं आके पहुंच चुका हूँ मेरी बेटी के पास, रुक गई है नाज के पास देखिए अभी। और बेटी को जो है पिज्ज़ा चाहिए था, तो मैं बोला पिज्ज़ा लेके फिर जाएंगे घर पे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करता हूँ, बेटी आज मेरे ब्लॉग एंड करेगी। तो बहुत थक गया हूँ गाइस कल से ट्रैवल करके, तो मामा ब्लॉग एंड कर दो, सबको हाई कर दो गाइस। तो गाइस कल से फिर बेटी के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वगैरह आएंगे पूरे फैमिली के साथ। तो चलिए चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।